जी हाँ दोस्तों, बेबी हरियाणा से सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है, बुढ़ापा पेंशन आ गई है। बड़ी खुशखबरी, अभी अभी विभाग से नया मैसेज आया है और सभी लोगों के खाते में ट्रांसफर करना शुरू हो चुका है। हरियाणा में इंतजार खत्म हुआ है। बुढ़ापा विधवा विकलांग पेंशन को लेकर के सबसे बड़ी खुशखबरी आई है, जो कि नवम्बर महीने की पेंशन थी वो दिसंबर में सभी के खाते में आनी शुरू हो चुकी है। समाज कल्याण विभाग से नया मैसेज आया है, पेंशन डालनी शुरू है। दोस्तों हरियाणा जो पहले अक्टूबर महीने की पेंशन थी वो 14 नवंबर को सभी के खाते में डाल दी गई थी, लेकिन अब की बात की जाए कि नवंबर महीने की पेंशन नहीं आई है। विभाग से नया नोटिस आया है कि सभी की पेंशन को 1 से 2 दिन में डाल दी जाएगी। सभी के बैंक खाते में अगर किसी भी की कई महीने की पेंशन रुकी है तो वह अपनी फैमिली आईडी में इनकम को ठीक करवा लें, उन सभी की पेंशन ऑटोमेटिकली डाल दी जाएगी। जितने महीने की रुकी है वह सभी एक साथ डाल दी जाएगी। दोस्तों अब की बार जो नवंबर महीने की पेंशन है वो 1 से 2-3 दिन के अंदर अंदर डाल दी जाएगी। और वहीं आपको बता दिया जाए कि 20 से 21 तारीख तक हर हालत में सभी के खाते में आ जाएगी। तो दोस्तों आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, आप सभी लोगों की बुढ़ापा पेंशन आप सभी लोगों के खाते में समय पर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों जिसने भी एडी न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।